दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी नॉर्मल फ़ोटो को आप वेक्टर आर्ट बना सकते हो, कार्टून वाली फ़ोटो बना सकते हो। ठीक है, वो भी बहुत ही सिंपल एक क्लिक के अंदर दोस्तों आप बना लोगे। एक ऐसे ऐप के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है, जिसपे आप अपनी नॉर्मल सी फ़ोटो को एक क्लिक के अंदर ही आप अपनी कार्टून वाली फ़ोटो बना लोगे। बहुत ही ईजी तरीका है, स्किप मत करना वीडियो को, लास्ट तक पूरे ध्यान से देखना कैसे कैसे मैंने बनाया है। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे अपनी फ़ोटो लगाकर आपको दिखाया है, क्या है? मतलब कि आप किस तरीके से बना सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं टेक्नो अमन। तो इसके लिए सबसे दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। अगर आपको ऐप चाहिए तो वहाँ पर जाकर लिखना है आपको टून ऐप, ठीक है, TOON टून APP, ओके, टून ऐप आपको लिखना है तो सामने आपके ये वाला ऐप आ जाएगा सामने। ठीक है, बहुत ही अच्छा ऐप है, AI कार्टून फोटो एडिटर है ये, अपने तरीके से ये अपना मतलब कि कार्टून वाली फ़ोटो बना देता है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है इसको। मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मेरे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपसे थोड़ा सा परमिशन मांगेगा, उसको आपको अलाउ कर देना है। बेसिकली दोस्तों आपके जो फ़ोटो एक्सेस करना चाहता है, फ़ोटो लेने के लिए जिसमें ये एडिट करेगा, वही परमिशन मांगेगा। तो सिंपली दोस्तों आपको परमिशन अलाउ कर देना है। यहाँ से आपको कोई भी फ़ोटो को चूज़ कर लेना है जिसको भी आप कार्टून वाली फ़ोटो बना सकते हो दोस्तों। और एक बार और है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, एक ही बैकग्राउंड नहीं है। आप अपने फ़ोटो को एडिट करने के बाद मतलब कि कार्टून वाली फ़ोटो बनाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे जो कि काफ़ी आई को मतलब कि अट्रैक्ट करते हैं, जिसे आप दोस्तों अपनी DP लगा सकते हो या इंस्टाग्राम पे फीड पोस्ट कर सकते हो या कहीं भी आप भी जहाँ मर्जी आपकी इच्छा हो आप पोस्ट कर सकते हो उस चीज़ को। इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट करा, ये ऑटोमेटिकली दोस्तों फ़ोटो को क्रॉप कर देता है। ठीक है, तो ये क्रॉप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे नीचे बैकग्राउंड में आपको नीचे शो हो रहा होगा, काफ़ी सारे आपको इफ़ेक्ट नज़र आ रहे होंगे बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। ठीक है, ये देख सकते हो आप, कुछ ये वाला है, कुछ ये हर्ट वाला है। तो आप अपनी फ़ोटो को दोस्तों रिसाइज कर सकते हो, दो उंगलियों से ऊपर मतलब छोटा बड़ा कर सकते हो वैसे स्क्वीज़ कर कर। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे ये वाला है, ये लव वाला है, आप दोस्तों इसके अंदर दो लोगों का भी एक साथ कार्टून वाली फ़ोटो बना सकते हो। ठीक है, पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी फ़ोटो के अंदर क्लैरिटी होगी ना, ये उतनी ही अच्छी तरीके से ये जो इसका AI का जो फंक्शन है काम करता है। ठीक है, तो जितना अच्छा आपकी फ़ोटो में क्लैरिटी होगी, साफ से तरीके से दिख रहा होगा फ़ोटो, वो उतना अच्छा ये काम करेगा। अगर धुंधली सी फ़ोटो होगी तो ये शायद ही अच्छे तरीके से काम करे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको फ़ोटो इफ़ेक्ट्स मतलब कि बैकग्राउंड में दिख जाएंगे, आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को दोस्तों इस ऐप को आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखना, आपको अच्छा लगेगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऐप है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, शेयर कर देना इस वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।